छोटी छोटी सी मिस्टेक जो कि मैंने अपने पेरेंटिंग में की है, वो मैं चाहती हूँ कि आप वो सब कुछ ना करें। अगर आप दिल से चाहते हैं कि आपका बच्चा पूरी तरह से हिस्ट पुष्ट हो, अच्छा गोल मटोल दिखे, उसका वेट इंक्रीज़ हो, तो आपको कुछ बातों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। तो वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव है, मेरे एक्सपीरियंस से आप कुछ ना कुछ ज़रूर नॉलेज लेके जाइएगा। तो वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव है, प्लीज़ शुरू से लेकर लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम हर्षिता वर्मा है और आपका मेरे चैनल ट्विंस माय वर्ल्ड बेबी केयर पर बहुत बहुत स्वागत है। अब जब बेबी केयर की बात हो ही रही है, तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि उनकी डाइट पे हम कितना ज़्यादा ध्यान देते हैं, क्योंकि बच्चे की डाइट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। बच्चे को हम क्या खिलाते हैं, बच्चे को हम कैसी परवरिश दे रहे हैं, उनको कैसा इन्वायरमेंट दे रहे हैं, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो डाइट की अगर मैं स्पेशली बात करूँ, तो डाइट में आपको कोशिश ये करना है कि बच्चे को जितना हो सके उनके हिसाब से खाने के लिए अलाउ कर दें। उनके हिसाब से खाने का ये बिल्कुल मतलब नहीं है कि आप बच्चे को जंक फूड दे रहे हैं या बच्चे को पैकेज्ड कोई भी चीज़ दे रहे हैं। ऐसी चीज़ें जो कि हेल्दी हैं और उनके पसंद की हैं। अगर मान लीजिए कि अगर आपने दाल चावल ही बहुत अच्छी तरह से पकाया है, लेकिन बच्चे को अभी फीड करने का मन नहीं है, तो उनको ज़बरदस्ती खाना बिल्कुल ना ठूस ठूस के खिलाइए। हम ऐसा सोचते हैं कि बच्चे को आप अपने हिसाब से खिला सकते हैं, लेकिन वो एक बहुत बड़ी गलती होती है। बच्चा आपके हिसाब से नहीं बल्कि अपने हिसाब से खाता है, और हर एक इंडिविजुअल के पसंद नापसंद अलग अलग होते हैं। लेकिन मेक श्योर आपको ये करना चाहिए कि आप बच्चे को जो भी खाना दे रहे हैं वो काफ़ी हेल्दी हो। अगर आप पैकेट्स जो चिप्स आते हैं उसके बजाय अगर आप दाल चावल ही बच्चे को खिलाते हैं, तो उससे ज़्यादा बेहतर और कुछ भी चीज़ें नहीं हो सकती हैं। तो बच्चे को प्रॉपर भूख लगने दीजिए। अगर उसको खाने की इच्छा नहीं कर रही है, तो ज़बरदस्ती उसको खिलाने की आवश्यकता नहीं है। थोड़ा सा टाइम देके देखिए, और जब वो खुद से डिमांड करें तो आप उसको प्रॉपर अच्छी तरीके से खिला सकते हैं। अब होता क्या है कि जैसे बच्चा अपने आप पर जब खाने लगता है, जब आपको लगता है कि चलो अब दूध का तो इनका एज निकल गया है, फिर भी आप एक एक्स्ट्रा दूध दे देते, जैसे बच्चे ने कुछ नहीं खाया तो चलो दूध ही दे दिया, तो उससे क्या होता है कि ज़रूरी जो न्यूट्रिएंट जो जाने चाहिए, जो कि फूड से मिलनी चाहिए, वो फूड से ना मिलके वो बार बार दूध से ही अपना पेट भर ले रहा है। ये बात सच है कि दूध में आपको सारे न्यूट्रिएंट मिलते हैं, लेकिन फिर भी एक भोजन की जो अलग एक चीज़ होती है, भोजन की जो गुणवत्ता होती है, वो बच्चे को ज़रूर मिलनी चाहिए। उसको एक्सपोज़र पता होना चाहिए कि जो भी चीज़ें वो खा रहा है, वो क्यों खा रहा है। उसका खुद से अगर इच्छा करने लगेगी तो वो दूध से क्या करेगा कि वो दूध थोड़ा भी पी के उसकी भूख मर जाएगी। लेकिन आपको थोड़ा सा बच्चे को भूखा रखना है, और उसको अनाज खिलाने पे, फ्रूट्स खिलाने पे, उसको वेजिटेबल खिलाने के ऊपर आपको फोकस ज़रूर करना चाहिए। अब रही बात कि आप चीज़ों को थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए कि किसी को अगर मान लीजिए कि केला नहीं पसंद है, तो केला नहीं पसंद है तो आप बनाना शेक बना के आप उसे दे सकते हैं। उसी तरह से फॉर एन एग्जाम्पल, जैसे मैंने आपको केला और बनाना शेक के बारे में बताया, उसी तरह से आप चीज़ों को अपने हिसाब से बना सकते हैं। बच्चे को डिफरेंट तरीके से परोसिएगा तो उनके इंटरेस्ट भी बनेंगे और वो खाना चाहेगा। उसी तरह से हमारी एक बहुत बड़ी मिस्टेक ये भी होती है कि हम पहले बच्चे की एक्टिविटीज़ को भी नोटिस नहीं कर रहे होते हैं। कई बार अगर आपका बच्चा अच्छी तरह से खाना खाता था, लेकिन बाद में उसने कम कर दिया, तो आप पहले रूट कॉज को पकड़िए। ये सोचिए कि बच्चा खाना क्यों नहीं खा रहा है, तो आप पहले उसकी जाँच कराइए, क्या वो आयरन डेफिशिट तो नहीं है, क्या वो उसके अंदर कैल्शियम की कमी तो नहीं है, या फिर बच्चे को पेट के कीड़े तो नहीं लग गए। अगर इन तरह के सिम्टम्स आपको दिखाई दे रहे हैं, बच्चा चिड़चिड़ा जा रहा है, तो कई बार क्या होता है कि बच्चा इस वजह से खाना नहीं चाहता है। अगर उसके पेट में कीड़े लगे होंगे तो खाना जो भी वो खा रहा होगा वो भी बच्चे के शरीर में नहीं लग रही है। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप अपने पीडियाट्रिशियन की भी हेल्प लीजिए, क्योंकि उनसे ज़रूरी न्यूट्रिएंट के बारे में लीजिए। अगर कुछ मल्टीविटामिन वगैरह देने की नौबत आती है, कुछ अगर फूड से आपका काम नहीं चल रहा है, तो डॉक्टर आपको मल्टीविटामिन के भी बहुत सारे ऐसे सिरप होते हैं जो कि प्रिस्क्राइब करके देंगे, तो आप एक बार डॉक्टर से भी बात करके ज़रूर देखिए। वहीं पर जैसे अगर मैं छोटे बच्चों की बात करूँ, तो क्या होता है कई बार माओं की ये टेंशन होती है कि बच्चे तो रोते ही रहते हैं, बच्चों का तो काम ही है रोना। लेकिन बहुत ज़्यादा अगर बच्चा रो रहा है, काफ़ी अगर चिड़चिड़ा फील कर रहा है, उससे भी उसकी बहुत ज़्यादा एनर्जी लगती है। अब बहुत ज़्यादा एनर्जी लग रही है तो बच्चे को उतनी ग्रोथ आपको नहीं दिखाई देगी। तो बच्चे को कोशिश ये करिए कि ज़्यादा देर तक रोने ना दें। मतलब अगर बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ा हो रहा है, जिद के मारे अगर बहुत ज़्यादा रो रहा है, तो बच्चे को ज़्यादा देर तक ना रुलाएं, बल्कि उसकी कुछ मनपसंद की चीज़ें थोड़ा सा उसका ध्यान भटका दें, और फिर बाद में आप उसको अपने हिसाब से गाइड कर लें। क्योंकि ज़रूरी नहीं कि बच्चा बहुत ज़्यादा रोएगा तो उसकी एनर्जी लगेगी, वो थकेगा, वो चिड़चिड़ा होगा, और उसकी मानसिक विकास भी कहीं ना कहीं डिस्टर्ब होती है। तो आप इस तरह की चीज़ों के ऊपर ज़रूर ध्यान दें। और फोर्थ इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप अपने बच्चे की नींद को भी आप मॉनिटर करें कि बच्चा कितने से कितने टाइम सोता है, और उसको दोपहर में ज़रूर एक घंटा ज़रूर सुलाने की आदत डालें। अब होता क्या है कि रात में भी कई बार बच्चों की नींद काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब होती है, और दिन में भी बच्चे काफ़ी थके होते हैं और उनकी नींद अच्छे से प्रॉपरली नहीं लगती है। तो बच्चे को पूरा
पूरा टाइम ज़रूर दें सोने के लिए, क्योंकि यही वो समय है, उनको नींद से भी काफ़ी अच्छी उनकी ग्रोथ बनती है। जैसे कि जब आपका बच्चा बहुत छोटा था तो आप क्या करते थे, आप बच्चे को प्रॉपरली उसको फीड करा के सुलाते थे, उसी तरह से थोड़ा जब आपका बच्चा बड़ा हो रहा है उसको तब भी नींद की ज़रूरत होती है। हालांकि नींद थोड़े से कम हो जाती है लेकिन नींद फिर भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है उनके मेंटल विकास के लिए, उनकी ओवरऑल ग्रोथ के लिए। तो बच्चे को प्रॉपर नींद भी ज़रूर दीजिए, और जो भी फूड अगर आप दे रहे हैं तो कोशिश करिए कि उनमें कुछ ज़रूरी फ़ैट भी इंक्रीज़ होना ज़रूरी है। अब ऐसे हेल्दी फ़ैट, जैसे मान लीजिए कि अगर आप मिल्क भी पिला रहे हैं तो उनमें काफ़ी अच्छी मलाई वगैरह होनी चाहिए, जैसे कि वो काफ़ी अगर फैटी हैं, जैसे कि आप तो अगर नहीं ले रहे हैं तो बच्चे को ऐसा ना सोचे कि बच्चों को भी नहीं देना है, बच्चों को आपको हर चीज़ देना है। जैसे कि घी दीजिए, गुड़ दीजिए, चीनी का भी इस्तेमाल कई बार आप कर सकते हैं कोई कोई चीज़ बनाने में, लेकिन आप ये हेल्दी सारी चीज़ें दीजिए और साथ ही साथ ज़रूरी फ़ैट भी दीजिए, जैसे मक्खन बटर वगैरह भी दे सकते हैं। तो उससे भी बच्चे की हेल्थ काफ़ी अच्छी बनेगी, बच्चा अच्छा फील करेगा, अच्छी उनकी ग्रोथ होगी, अंदर से खुश रहेगा, तो वो खुद ब खुद उसका वज़न भी बढ़ेगा। तो इन सब बातों के ऊपर ज़रूर फोकस करिएगा, क्योंकि ये सब बातें बहुत इंपॉर्टेंट है। काम तो चलता रहेगा आपका, लेकिन अगर बच्चे के ऊपर आपने ध्यान नहीं दिया राइट फ्रॉम द बिगनिंग तो बाद में आपको बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। तो इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच, आपने ये सारी बातें समझी। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, और मुझे इंस्टाग्राम पे और फेसबुक के पेज को लाइक करना, फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग ट्विंस माई वर्ल्ड बेबी केयर।